हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंपल पार्ट, वो कि क्लास प्लस वन प्लस टू का पेंटिंग का फाइनल आर्ट का जो आपका प्रिंसिपल है पार्ट, उसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये है हमारी इस वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, देखते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, रिदम, पैटर्न, यूनिटी, मूवमेंट एंड कल्चर, ये पिछले हमारे टॉपिक रहते थे, उन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले रिदम से शुरू करेंगे। रिदम वो है कि जैसे गाने में रिदम होता है, वैसे ही पेंटिंग में भी रिदम होता है। अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को बराबर से यूज कर रहे हैं तो रिदम बन जाता है। इस कॉन्टिन्यू तो स्लो होता है, जैसे कि मूवमेंट है, अगर आप एक पेंटिंग देख रहे हो ना तो उसमें कॉन्टिन्यूज आप मूवमेंट से देख रहे होते हैं, है ना। एक अपील की जा रही है बाय द रेपिटेशन, तो आप देख रहे हो तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, मतलब वो उसी रिदम से मिल रही है। आप मतलब अगर गाना सुन लो आप, है ना, गाने में अगर रिदम ना हो, उसमें ताल ना हो, रिदम ना हो, तो ओबियस की बात है गाना तो पक्का का लगेगा ना, तो गाना हमें समझ ही नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यू फ्लो में नहीं है। पेंटिंग में भी ऐसा भी होता है, कॉन्टिन्यू फ्लो होना जरूरी है। रिदम मतलब एक मोशन, मूवमेंट, ठीक है ना। अलग अलग एलिमेंट यूज करते हैं उसको बनाते हैं, जो कि हमारे आईज के द्वारा हमें पता है। तो आईज जो है ना, वो ऐसा एक चीज है जो हमें पेंटिंग में रिदम के सहारे लिखी जाती है कि कौन सा पाथ हमें फॉलो करना है, किस रास्ते से हमें पेंटिंग को देखना है, कौन सा मेन सब्जेक्ट है या कौन सा मेन ऑब्जेक्ट है हमारी पेंटिंग में जो मेन चीज बन रही है। वेन वी सी एन आर्टवर्क, जब हम कोई भी आर्टवर्क देखते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव और अनकॉन्स्टिट्यूटिव बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे रिदम मूव करता है। अगर कोई एक आर्टिस्ट देख रहे हैं वो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रिदम उसको पता लग जाएगा ताकि मूव कॉन्स्टिट्यूटिव, लेकिन अगर एक आम इंसान देखता है वो पेंटिंग देखता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है, अगर उसको समझ नहीं आ चुकी है मतलब वहाँ पे रिदम है, ठीक है ना, वो सब कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसको नहीं पता लगता कि यहाँ पे रिदम चल रहा है, रिदम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर रिदम ना हो तो ओबियस की बात है पूरे का पूरा आर्टवर्क बिल्कुल खराब हो, और आईज को प्रॉपर आइडिया नहीं मिलेगा, कभी आप किसी कॉर्नर में देख रहे हो, कभी आप किसी कॉर्नर में देख रहे हो, ठीक है ना, और पेंटिंग समझ में नहीं आएगी। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग लाइट शॉट है ना, ये वर्ल्ड ऑफ की पेंटिंग है, तो हमें यहाँ पे देखते हैं पूरे का पूरा रिदम दिखाई दे रहा है, हर एक चीज का प्रॉपर नॉलेज हमें पता लग रहा है कि कौन सी क्या है, ठीक है ना। अभी पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न रेपिटेशन ऑफ स्पेसिफिक विजुअल एलिमेंट, क्योंकि आप हम जब भी कोई काम करते हैं तो किसी न किसी पैटर्न में जाते हैं, एक फ्लो होता है जो इस तरीके से काम करता है, इसी तरीके में आज में भी होता है, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं। पैटर्न को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वो हमें बताएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, एक रेपिटेशन है, इसके साथ ही आई भी मूव करती है। भाई साहब एक ध्यान बिल्कुल रखना, ये आई जो है ना, हमारी आँख है जो वो पेंटिंग को पहचानने में बड़ी चीज होती है, और ये एलिमेंट प्रिंसिपल कितने भी चीज होती है, सिर्फ प्रिंसिपल चीजें, ये सारे हमें अपनी आई को पास देते हैं और उनको फॉलो कराते हैं। पैटर्न जो है वो एक आर्टवर्क को डेकोरेट करता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई शेप हो या कोई कलर हो, है ना, उनमें से किसी भी चीज को हम पैटर्न बना सकते हैं, या तो कलर का पैटर्न बन जाए, मोनोक्रोमेटिक हो गया, लाइट से डार्क 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 करते जा रहा है ना, शेप हो गई, एक ऐसी शेप है, कैसी शेप है, कैसी शेप है, किसके पैटर्न हो गए, तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिजाइन कॉन्सेप्ट में विजुअल अरेंजमेंट में ये चीज होना बहुत जरूरी है। ये एक सीक्वेंस है, पैटर्न जो है ये हमें फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड काम है, ये दोनों चीजें आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि जब भी आप अपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये चीजें हमने यहाँ पे आपको दिखाई है, ये जो लाइन है, अगर आप ये लाइन देख कर आते तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ये एक रेपुटेशन जो क्या करता है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब आपकी पेंटिंग का इतने सिकोड़ों के तरीके से भर देता है ना, उसको खाली नहीं रहने देता है ना, फुलफिलमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए अलग अलग तरह के पैटर्न भी हम यहाँ पे दिखाई दिए हैं, ये अलग अलग तरह के पैटर्न आ जाते हैं, ये देखिए भी कलर के साथ भी पैटर्न भी है, ये भी कलर के साथ पैटर्न है, डिजाइन के लिए है ना, लेकिन यहाँ पे डिजाइन भी हो गया, मतलब कि अगर हम चाहें तो
किसी भी तरीके से जो कल्चरल है उनको बनाए। ठीक है, अभी बात करते हैं यूनिटी की। तो यूनिटी जो है इसको कंटिन्यूटी करना हारमोनी के साथ। यूनिटी एक ओवरऑल प्रिंसिपल है, मतलब किसी काम को पूरा जब देना पड़ना तो उसमें यूनिटी आ जाती है। ये एग्रीमेंट है, मतलब एलिमेंटल प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की चीज है, तो जो आर्ट वर्क को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हेल्प करती है। एक ऐसी फीलिंग है जो कि आर्ट वर्क में इकट्ठे चलते हैं और ये तभी से होते हैं क्योंकि इसमें एस्थेटिक सेंस होना बहुत जरूरी है। अभी देखो एस्थेटिक सेंस क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही खूबसूरत होना है ना। अभी उसको खूबसूरत खूबसूरत तो है, लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये मोटी होनी चाहिए, रिजन होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, शेप होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना, इसी की वजह से जो पेंटिंग है वो कम्प्लीट लगती है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ गोल्डनेस जो कि आप अलग अलग एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को यूज करके ला सकते हैं। ये यूनिटी तब भी आती है अगर ये एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स जो है वो यूज किए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये कंपोजिशन जो है उसको हारमोनी में ले जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो हमारे पास एक आर्टिस्ट की पेंटिंग है, जैसे ब्रॉड पेंटिंग पेंटिंग जो है करते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे सिलसिले चाहते हैं, अगर आपके अपनी मान को बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि डार्क फील्ड है, कलर्स है, फॉर्म है ना। अभी देखिए ओरिजिनल खड़ा है, जो कि ग्रीप खड़ा है, लेडीज है, ग्रीप है, ये फॉर्म है ना, इसलिए कलर करना है, ये चीज ये लोग कलर करना है। कलर हो गया, यहाँ पे कलर की फेल है, देखो लग रहा है कि भाई दोपहर है, दिन है ना, दोपहर है, मतलब लग रहा है कलर की फील्ड आ रही है ना। ये सारी की चीजें हैं ये आपको हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से आपको यूनिटी लेके आना है। तो अभी चलते हैं यूनिटी का और कुछ है, और पार्ट कोई भी इमेज है वो काम इकट्ठे करते हैं। ये हमने पहले देखा, ये इस रेफर टू सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑल विजुअल एलिमेंट्स, लेकिन इन सभी के बीच में क्या है, ये कनेक्शन आर्टिस्ट को इस चीज के ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की सिमिलैरिटी वो आपको टेंशन करती है, मतलब कि आपको मजबूत करती है सेंस ऑफ यूनिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें आपने सीरीज ऑफ ड्रेस यूज किया। जैसे कि हमने पीछे देखा था अभी भाई नील का दिखाना है, दोपहर का सीन दिखाना है, तो ये सब बात है, उसमें धूप होगी, उसमें पत्ते का रंग ऐसा होगा, उसमें खाओ भी होगी, उसमें ये भी होगा, लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमल चीज खड़ी है, एनिमल्स को पता ही नहीं है कि वो धूप पाएगा नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये एस्थेटिक सेंस है, ये आपकी सेंस है। अगर मान लो बारिश हो रही है, बंदा बाहर खड़ा है और आप पेंटिंग का नाम कुछ छोड़ दे रहे हो तो वो अलग चीज़ है। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको ख्याल रखना है। यूनिटी इज द की, जब सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हारमोनियस लेवल पे आ जाते हैं, वहाँ पे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देते हैं कि भाई हाँ अपनी पेंटिंग को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मूवमेंट, अभी हम सारी बातें करती आ रही थी रिदम में भी मूवमेंट, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। मूवमेंट क्या है, देखो ये भी एक डायरेक्शन ही दे रही है आपकी आई, क्योंकि ये आपको बता रही है कि भाई यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ है, इसका लिंक इसके साथ है, सारी की सारी पेंटिंग को वो इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे हम मूवमेंट मानते हैं हमारी आई की मूवमेंट, जो आर्ट वर्क को ऑब्जर्व करते हैं। तो किस ऑर्डर में हमारी आई की मेरे ट्रेवल करते हैं, जैसे कि मान लो जब हम देखना शुरू करते हैं सबसे पहले जो एलिमेंट है वो हमें ट्रेवल कर रहा है पूरे को जो जाए, मतलब हमारा गाइड बन जाता है कि भाई आपको पेंटिंग किस तरीके से दिखती है, ये चीज़ बताना। तो वो व्यूअर का जो अटेंशन है उसको लेके आता है कि इसका एक इल्यूजन बना दिया कि हाँ ये चीज़ हो रही है, वो सारे आपको जो है वहाँ से दिखाई देगा। यहाँ पे एक्शन है, क्योंकि मूवमेंट है तो ऑब्वियस की बात है एक्शन, तो ये व्यूअर्स की जो आई है उसको बताना। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है कि हम बार बार यही चीज आ रही है कि आई को ले किया है, आई को बता रहा है, मूवमेंट दे रहा है, विदाउट मूवमेंट एक आर्ट वर्क बिल्कुल फील हो जाता है, सिग्निंग से ज्यादा वो ब्रीथ नहीं कर रहा और वो किसी व्यूअर को अटेंशन भी नहीं दे रहा, व्यूअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा। अभी कोई भी पेंट है
वो फिजिकली मूव नहीं करते है ना, लेकिन उनको अगर हम अरेंज इस तरीके से करें कि वो एक इल्यूजन देते हैं, जैसे कि आपने 3D वो देखा होगा है ना, 3D आर्ट देखी है ना, तो वहाँ पर वो सिर्फ खुद को हिलाते हैं, वो पेपर में होता है ऊपर का वो हिलाते हैं, नीचे इस तरीके से ड्राइंग की होती है कि हमें लग रहा है कि वो मूव हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो फिजिकली तो वो मूव नहीं कर रहे ना, वो तो सिर्फ उसका इल्यूजन हमने बताया कि भाई ऐसा इल्यूजन है। मूवमेंट जो है वो एक इमेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि ये हमें किसी न किसी चीज़ की सोच बताती है कि किस तरीके से ये लाइफ क्या है, ये क्या नहीं है, ये क्यों बनाई गई है, इसका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें हमें बताती है। आगे हमारे पास तो चलता है ऑपोजिट एलिमेंट होते हैं, लाइट वर्सेस डार्क, रफ वर्सेस स्मूथ, स्मॉल वर्सेस लार्ज, ओके कंट्रास्ट, तो ये चीज़ें हमें बता दी। कोई सी कंपोजिशन में ये एक विजुअल इंटरेस्ट पैदा करता है, फोकल पॉइंट बनाता है, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेज, मान लो कलर को ये यूज कर लिया, टेक्सचर को ये यूज कर लिया, शेप को ये यूज कर लिया, एलिमेंट्स को अलग अलग यूज कर लिया, तो आर्ट वर्क में ये सारी की सारी चीज़ें जरूरी है। अगर नहीं तो वहाँ पे एक ब्लैक पर्सन हमें दिखाई देगा, एक खाली कैनवस हमें दिखाई देगा, अगर वैसे देखा जाए तो खाली कैनवस ही एक तरह का आर्ट वर्क है, लेकिन उसको समझाने वाला कोई मतलब चाहिए कि भाई ये खाली कैनवस कैसे है। कंट्रास्ट में एक और चीज़ आती है, ये बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, जैसे कि टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, डिटेल हो गया, शेप हो गया, कंट्रोल, ये अलग अलग कंट्रास्ट होते हैं। टेक्सचर कंट्रास्ट क्या होते हैं, जैसे कि कोई स्मूथ होता है, कुछ खराब होता है, वो टेक्सचर अभी आप चल के देखना ना, क्योंकि विंसेंट वैन गॉग की जो पेंटिंग है ना, उसमें डायरेक्ट प्रतीक के साथ ही कुछ उसके पास पैसे उनके लिए पैसे नहीं थे, तो ये सी बात है, उसमें भी जो लीजिए है उसके साथ सीजर के साथ उसमें ऐसे ही कलर की निकाल कर लगा हुआ, मतलब वहाँ पे एक हेवी टेक्सचर दिख रहे थे। अगर आप बिल्डिंग पे चलते हो, अगर आप पत्थर पे चलते हो तो ये अलग टेक्सचर है, इंट पे चल रहे हो अलग टेक्सचर है, मिट्टी पे चल रहे हो अलग टेक्सचर है, ये तो सारे के सारे टेक्सचर है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जरूरी है। कलर कंट्रास्ट वो हमें दिखाता है कि हाउ कैन ट्रस्ट बिटवीन लाइट एंड डार्क, ये चीज़ हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री लाल कलर क्या है, ये सारे कलर हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जैकलिन फेरोला की पेंटिंग है, फादर ऑफ थ्री प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग, यहाँ पे अगर हम देखें पत्थर का टेक्सचर हमें दिखाई दे रहा है, इवन की जो पेंटिंग का एक्चुअल जो टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक मोटा मोटा दिखाई देता है, मतलब कलर जो है काफ़ी ठीक लगाया हुआ है, जिसके साथ हमें टेक्सचर वहाँ पे फील भी होता है। इवन के अगर हम पेंटिंग के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग टेक्सचर देखी है। डिटेल कॉन्ट्रास्ट अगर देखें तो ये एरियाज ऑफ डिटेल एंड मोर ब्लड एरिया, इसको डिटेल एरिया होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया डिटेल, क्योंकि लेकिन नज़दीक है अगर ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ज़्यादा ही बनाएंगे, जैसे नेचर होती है, हमने अपने पेड़ के पूरे यहाँ पे नेचर पड़ी हुई है, सारी की सारी वीडियोज हमने आपको यहाँ पे दी हुई है। और अगर ब्लेंड एरिया की बात करें, मतलब कि जो दूर है हमें ब्लेंड दे सकता है, जिसको रेस्टी पेंटिंग है, रिडॉल्फ फॉन आइस की पेंटिंग है, व्यू ऑफ हेवन, 1841 में इसको बनाया गया। यहाँ पे अगर हम ये वाला पेड़ देखें तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो ये वाला अगर हम पेड़ देखें तो ये पेड़ इस तरीके लग सकता है कि जैसे कि बहुत डिटेल दिया गया है, यहाँ पे ये फीचर्स बनाई हुई है, बहुत डिटेल दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पेड़ है और ये वाला जो एरिया है, ये काफ़ी हद तक क्या कर दिया गया है, इसको ब्लेंड करके ये वाला एरिया जो है ये डिटेल दे दिया गया है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं डिटेल कंट्रास्ट। अभी देखिए शेप कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं, है ना, कोई ट्राइंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें दिखा रहा है इसकी शेप कंट्रास्ट। इंटरवल कंट्रास्ट की बात, इंटरवल कंट्रास्ट क्या होता है, जैसे कि एक कंट्रास्ट कोई लॉन्ग या शॉर्ट इंटरवल, मान लो कि एक पेड़ बना रहे हैं, अगर हम कोई लैंडस्केप बनाते हैं तो वहाँ पे ट्रीज हमने देखे होते हैं, वहाँ पे जैसे कि एक ट्री यहाँ पे बन गया है ना, एक ट्री यहाँ पे बन गया, एक ट्री यहाँ पे बन गया, एक ट्री यहाँ पे बन गया, तो ये साथ में कंस्ट्रक्शन भी क्रिएट किया जा रहा है और साथ में कंट्रास्ट भी बनता जा रहा है, मतलब इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये ऐसे आगे जाएगा वो बढ़ता जाएगा, आगे जाके ये ट्री से पता चलेगा, तो मतलब ये इंटरवल दिखाई देगा ट्रीज के बीच। और इंटरवल कंट्रास्ट जो है ये एक तरह का सेंस ऑफ जो रिदम है वो भी हम मान सकते हैं कि भाई ये रिदम ये भी लेके आ रहा है, ये आपको चाहिए। तो भाई आज का टॉपिक हमारा यही भी खत्म होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर आपको देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों
करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो साथ ही बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।